नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र और रियल लाइफ व्लॉग में मैं आज आपको लेकर आया हूं भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन जहां पर महाकाल विराजते हैं, जी हां, लेकिन उज्जैन महाकाल में कुछ बस रही है नई दुनिया। जी हां, महाकाल की एक नई दुनिया। जब आप महाकाल आएंगे तो आपको पता लगेगा कि महाकाल की नई दुनिया कैसी होगी। आएंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ से शुरुआत होती है गणेश जी से, और ये गणेश जी से ही शुरुआत हो गई सामने वाले इस भव्य गेट से। ये भव्य गेट है महाकाल के उस प्रवेश द्वार का, जहाँ से शुरू होती है नई दुनिया, बिल्कुल सबसे अलग। और इस गेट की खासियत ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है शुरुआत हुई है उस दीवार से जहाँ पर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। जी हाँ, इस दीवार से शुरुआत होती है, इस पूरे भव्य द्वार से शुरुआत होती है महाकाल के उस प्रवेश की, जहाँ पर आप देखेंगे आगे और भी कई ऐसी अलग अलग चीज़ें जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। इस गेट की अगर हम बात करें तो इसे इस तरह से सजाया गया है कि इसमें नंदी विराजमान किए गए हैं। ये चारों नंदी जो हैं बड़े बड़े रूप में इन गेट के ऊपर विराजमान किए गए हैं। तो शुरुआती दौर में जब हम गेट से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो शायद आप आश्चर्य करने लगेंगे। सबसे पहले दिखेगा आपको वो त्रिशूल जिसमें कि रुद्राक्ष बंदी है। हाँ, ये वो त्रिशूल है शिव जी का सबसे प्रिय, जहाँ से शुरुआत होगी उस पूरे ऐतिहासिक कॉरिडोर की, जहाँ आप हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे। हर तरह की मूर्तियाँ, हर तरह के भगवान और हर तरह की एक अलग अलग कहानी। तो चलिए हम भी आगे चलते हैं। जब त्रिशूल से और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दिखेंगे कुछ इस टाइप के पिल्लर। जी हाँ, ये खूबसूरत पिल्लर जो है इस जगह की शान है, और इन पिल्लरों को इस तरह से सजाया गया है कि इसमें बारीक बारीक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए आप, इन कलाओं के माध्यम से इस पिल्लर को पूरा सजाया गया है। और इस पिल्लर के जस्ट पीछे की तरफ देखें तो वो जो दीवार है, वो दीवार है उस अद्भुत कलाओं की, जिसके अंदर अलग अलग भगवानों को दर्शाया गया है, अलग अलग कलाकृतियां हैं। और ये वो पूरा कॉरिडोर है जहां से पूरी शुरुआत होती है वहां तक की, और इस कॉरिडोर के ही द्वारा आप महाकाल मंदिर में अंदर जा पाएंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं।
तो द्वार से जब हमने एंट्री करी तो बहुत सारी चीज़ें देखी और हम हैरान हो गए कि आखिर ये है कौन सी दुनिया। जी हाँ, ये है महाकाल की नई दुनिया। और ख़ास तौर से मैंने आपको जो फाउंटेन बताया था, वो फाउंटेन का फ्रंट ऐसा होगा। जी हाँ, यहाँ पे होंगे शिव जी विराजमान और यहाँ होंगे फाउंटेन। इसको नाम दिया गया है फेज़ वन। ये है लोटस पॉन्ड, जिसमें ख़ास तौर से इस तरह से जो है फवारे चलेंगे और इस तरह से इसे बताया गया है। और मैं आपको और अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप किस तरह से ये फवारे जब चालू होंगे तो क्या दिखेगा नज़ारा। वाकई में जब आप महाकाल आएंगे तो आपको बहुत कुछ अद्भुत देखने को मिलने वाला है। जब हम इस सुंदर महाकाल कॉरिडोर से अंदर की तरफ आते हैं तो कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी और उसमें कुछ अलग भी होगा। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये, जी हाँ ये है अद्भुत प्रतिमा, वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिर छेदन। मतलब आप समझ रहे हो, इस प्रतिमा के माध्यम से शुरुआत होती है अब महाकाल कॉरिडोर की अलग अलग कहानियों से। जी हाँ, किस तरह से राजा दक्ष का सिर अलग किया था वीरभद्र ने। जी हाँ, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। महाकाल कॉरिडोर ज़बरदस्त है। आप अगर महाकाल आए हैं सालों पहले तो अब जब आप आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इस महाकाल की नई दुनिया में। देखिए आप मेरे चारों तरफ, ये एक अलग दुनिया है जो पूरी तरीके से बस चुकी है।
जब आप इस महाकाल कॉरिडोर से चल के आएंगे तो आपको पानी का आनंद भी मिलेगा। जी हाँ, ये है, ये वो पानी का सागर है जो शायद आपको सुकून देगा। महाकाल कॉरिडोर से जब आप आएंगे तो आप इसका भी आनंद लेंगे। फिलहाल काम चल रहा है पर जल्द ही पूरा होगा। जब आप पूरे कॉरिडोर में घूमकर आएंगे तो महाकाल मंदिर में जब आप शिवलिंग के लिए अंदर जाएंगे तो आपको इस भव्य गेट से अंदर होना पड़ेगा। इस गेट के साथ ही आप बाबा महाकाल के उस दर्शन को पा सकेंगे जिसके लिए आप कई किलोमीटर दूर से आते हैं और दर्शन कर पाएंगे। तो जब आप उस भव्य कॉरिडोर से घूमकर आते हैं तो आपको होते हैं सीधे महाकालेश्वर जी के दर्शन। अभी तक आपने कई तरह के अलग अलग दृश्यों को देखा होगा, लेकिन ये जो दृश्य है बहुत ही अलग है। जब भी आप उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में आएंगे और जब इस भव्य रूप को देखेंगे तो आपके मन में एक अलग ही श्रद्धा भाव जो हमेशा रहता ही है, लेकिन इस बार आप हैरान हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इस नए स्वरूप का आनंद लीजिएगा और उज्जैन आइएगा। अगर इस पूरे वीडियो में अगर मेरी थोड़ी मेहनत भी हुई तो आप मुझे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है हर उस जगह को बताने की जो शायद आपको अच्छी लगे। जय श्री।